वेलकम टू माय चैनल नेहा डिज़ाइन। सब में आपके दोस्त नेहा अलवी। आज की इस वीडियो में हम आपके लेके आए हैं 4 से 5 साल के बच्चे के लिए एक डिज़ाइनर सूट। तो उसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो चलिए अपने ड्रेस की हम कटिंग शुरू करते हैं। सिल लेंगे अपना फैब्रिक। हमारा जो ये फैब्रिक है, हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है। इसको डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से इसको देखिए, ये वाला कॉर्नर हम इसको उठाएंगे और इसको रखेंगे हम इस तरीके से। ट्यूलिप फ्लावर हम पहले ही बना चुके हैं, उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन आज हम जो ट्यूलिप फ्लावर बनाएंगे, इसकी कटिंग हम बहुत ही इजी तरीके से बताएंगे आपको। और इसकी स्टिचिंग भी देखिए, यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 26.5 इंच पर। ये जो मार्किंग की है, अब इसको करेंगे हम कट। ओपन करेंगे और यहां से भी कट कर लेंगे। ये जो हमारी अंदर वाली साइड है, हमारी राइट साइड है, इसको मिला लेंगे और इसको देखिए हम पलटेंगे, इनको करेंगे हम फोल्ड। ये हमारी इस तरीके से फोल्ड होगी। ये वाला जो हमारा पार्ट है, इसको भी हम इस तरीके से सेम तरीके से फोल्ड करेंगे। ये अब इन दोनों पार्ट पर एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख देंगे। इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद अब कटेंगे अपना आसन कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ से हम मार्क करेंगे आसन की हम लेंथ रखेंगे 6.5 इंच। और यहाँ से कट कर देंगे। आसन कट करने के बाद नीचे से मोहरी कट करेंगे। यहाँ से हम इसको लेंगे 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से 3.5 इंच पर।
तरीके से मार्क कर कर इसको कट करेंगे। हमारी शलवार इस तरीके से तैयार हो गई। देखिए इस तरीके से हमारे शलवार तैयार हो गई। बहुत ईजी तरीका है ट्यूलिप शलवार कट करने का। अब कट करते हैं इसके लिए ऊपर के लिए हम फ्रॉक, इसको हम रख देते हैं। ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इसको हम एक साइड से लेंगे पहले, और इसको हम करेंगे यहाँ से डबल फोल्ड हम इसको करेंगे। देखिए इसके लिए हम जैकेट कट करेंगे। जैकेट सबसे पहले हम कट करेंगे अपने लाइनिंग पे, तो लाइनिंग पे ही कट कर लेते हैं। लेंथ रखेंगे 11 इंच। को करेंगे अब फोल्ड, फोल्ड करेंगे और अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले मार्क करेंगे हम तीरा। तीरा लेंगे हम 5 इंच, आम सोल का मार्क करेंगे 4 इंच पर, और यहाँ से 10 पॉइंट, और यहाँ से लेंगे 10 इंच। फाइव इंच हमने तीरा लिया था तो नीचे से हम इसको मार्क करेंगे 5 इंच पर, और चेस्ट हम रखेंगे 6.5 इंच, और कमर का मार्क लेंगे 6 इंच पर। और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हम इसको ऐसे तिरछा मार्क करेंगे। कट करने के बाद अलग कर लेंगे दोनों पार्ट को। और अब कट करेंगे नेक। नेक हम यहाँ से लेंगे 2.5 इंच पर, और लेंथ हम रखेंगे 3 इंच। बैक साइड का नेक हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। लाइनिंग की हमारी जैकेट कट गई है, हम अपने फैब्रिक पर रखेंगे। हम यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करेंगे।
ओके, हमारा जैकेट कट हो गई है। अब हम नीचे के लिए लेयर कट करेंगे। उसके लिए हम देखिए यहाँ से अपने फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से हम इसको मापेंगे, यहाँ से हम इसको मार्क करेंगे 18.5 इंच पर। ये हमारा यहाँ से मार्क है 19 इंच। ये हमारी जैकेट है, इसको हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से देखिए इसको माप लेंगे, माप करेंगे। ये जो हमारी फ्रॉक है, इसका जो हमारा ऊपर का ये है, ये जो हमारी फिटिंग की कटिंग है, ये हमारी छोटी रह गई है, तो इसको हम दोबारा से कट करेंगे। मार्क करेंगे, हमारी फ्रॉक की कटिंग हो गई है। अब कट करेंगे फ्रॉक के लिए सलवार, बेल्ट, सलवार के लिए बेल्ट कट करेंगे। बेल्ट की लेंथ हम रखेंगे 5 इंच, बेल्ट की विड्थ है हमारी 5 इंच। फोर्टीन इंच पर इसको हम कट कर लेंगे। दोस्तों, हमारी ड्रेस की कटिंग हो चुकी है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली किसी भी नई वीडियो को मिस ना कर सकें। फिर मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड